आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल वेरिएशन इन क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन आता है वह किन कारणों से आता है। गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, जो हैप्लोइड्स एंड मेल या फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से अगर बनते हैं तो वो 2n जाइगोट के फॉर्म में या डिप्लोइड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल चेंजेस के लीनियर डायग्राम को देखें तो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, सबसे पहले देख यूप्लॉयडी किसे कहते हैं। यूप्लॉयडी उस स्टेज को कहते हैं जबकि जब जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो हैप्लोइड, डिप्लोइड या ट्रिप्लोइड, टेट्राइड, पेंटोइड और हेक्साइड होती है। यानी कि गुणसूत्रों की एक पूरा का पूरा सेट ही जब इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम यूप्लॉयडी कहते हैं। जैसे मोनोप्लॉयडी जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या एक्स होती है, एन पाई जाती है, हैप्लोइड होती है। डिप्लॉयड जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो सेट पाए जाते हैं, डिप्लॉयड। पॉलीप्लॉयड कंडीशन वो है जबकि जो क्रोमोसोम्स की सेट जो है वो ट्रिपल, ट्रिपल एक्स, फोर एक्स, फाइव एक्स या सिक्स एक्स होते हैं, उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉयडी कहते हैं। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट होता है एन्यूप्लॉयडी, यानी न्यून बहुगुणता। ये न्यून बहुगुणता है वो दो प्रकार की होती है। पहला है हाइपोप्लॉयडी, यानी कि जब कंडीशन के अंदर जो सेट होता है क्रोमोसोम का उसके अंदर एक गुणसूत्र का पेयर जो है वो चाहे बढ़ जाए या घट जाए। अगर एक क्रोमोसोम का पेयर डिप्लॉयड सेट के अंदर कम हो जाता है तो उसे मोनोप्लॉयडी कहा जाता है, जैसे 2n-1। इसी तरह न्यूलसोमी तब उस कंडीशन को कहा जाता है जबकि क्रोमोसोम के दो सेट जो है वो द्विगुणित गुणसूत्रों के सेट में से कम हो जाते हैं, उसको हम न्यूलसोमी कहते हैं और इस कमी को ही हम हाइपोप्लॉयडी कंडीशंस कहते हैं। इसी तरह जो हाइपरप्लॉयडी कंडीशंस होती है उसके अंदर ट्राइसोमी और टेट्रासोमी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। हाइपरप्लॉयडी यानी कि गुणसूत्र के एक सेट की पूरी वृद्धि हो जाना या गुणसूत्र के दो सेट की वृद्धि हो जाना, जैसे 2n द्विगुणित गुणसूत्र के अंदर एक गुणसूत्र का पूरा पेयर बढ़ जाता है उसे हम ट्राइसोमी कहते हैं कंडीशन को, और टेट्रासोमी उस कंडीशन को कहा जाता है जब द्विगुणित गुणसूत्र के अंदर दो गुणसूत्र का जो सेट है वो बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम टेट्रासोमी कंडीशंस कहते हैं। यहाँ पे जो ट्राइसोमी होती है उस ट्राइसोमी को हम आगे देखते हैं। ट्राइसोमी यानी 2n+1, इस कंडीशन की ट्राइसोमी को हमने यहाँ पर तीन भागों के अंदर बांटा है। सबसे पहला है प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी और टर्शियरी ट्राइसोमी। प्राइमरी ट्राइसोमी होती है जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम जो कि सेम क्रोमोसोम के इक्वल होता है, एक क्रोमोसोम के इक्वल होता है। और सेकेंडरी ट्राइसोमी हम उसे कहेंगे जबकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं उसके आइसोक्रोमोसोम्स के दो आर्म्स इक्वल होते हैं। और टर्शरी ट्राइसोमी तब हम उस कंडीशन को कहेंगे जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं उसके दो क्रोमोसोम्स के सेगमेंट आपस में इंटरचेंजेस रहते हैं, उस कंडीशंस को हम टर्शरी टेट्रासोमी कहते हैं।
टेट्रासोमिक जो नेचर होती है, नेचर में जो ये नेचर का प्राकृतिक रूप में एक उदाहरण है जिसको जिसके अंदर एक जो डिजीज़ कॉज की जाती है उसको हम डाउन सिंड्रोम डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर जो मंगोलिज्म बच्चे होते हैं जिसमें बच्चा जो है मानसिक जो है उसके अंदर मंदता यानी कि मेंटल उसके अंदर ग्रास्पिंग पावर कम होती है, वो मानसिक रूप से मंद होता है, उसकी जो जीभ जो होती है उसकी टंग जो होती है उसके अंदर वो थोड़ा सूजन होती है, और इसके पलकें जो होती हैं आँखों की जो वो पलकें जो है वाहन या आईलिड्स के समान होती हैं। इस प्रकार ये हमें जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इस चीज से रिलेटेड वो होते देखने को मिलते हैं हम ट्राइसोमी में। इसी तरह जो टेट्रासोमी होती है वो टेट्रासोमी के अंदर जो कंडीशन होती है 2n+1 यानी कि इक्वल साइज स्पेशल क्रोमोसोम्स जो है वो लगभग 4 बार इसके अंदर पाया जाता है। जो पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है इसलिए क्रोमोसोम की संख्या 4 हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे वीट, वीट के अंदर 21 न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट होता है वो है हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी कंडीशंस वो है जबकि मोनोसोमी के अंदर 2n-1 कंडीशन है और क्रोमोसोम के 3 पेयर इक्वल साइज के होते हैं और गैमेट्स बनते हैं इसके अंदर एन और n-1। इस प्रकार की गैमेट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये एनिमल्स में और जेनेटिक इम्बैलेंस होने से इसके अंदर जो है जो रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी होती है या क्षमता होती है उसके अंदर हाइपरप्लोइडी के अंदर घट जाती है। इसका एग्जांपल है देखो हमें देखने को मिलता है ट्रिटिकम वल्गर। इसी तरह जो निलसोमी है, निलसोमी में 2n-1 ये द्विगुणित है, इसके अंदर जो पेयर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो है हेक्साप्लॉइडी वीट 6n-2 इसका उदाहरण है। ये सर्वाइव करता है लेकिन इसकी भी जनन क्षमता जो होती है वो कम होती है। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम जो देखते हैं वो देखते हैं पॉलीप्लॉइडी का, बहुगुणता जिसके अंदर दो या दो से अधिक जो जीनोम है पूरा गुणसूत्र का पूरा सेट वो पाया जाना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। एग्जाम्पल है जैसे क्राइसेंथीमम है, सोलेनम है, ब्रेसिका है, वीट है, तंबाकू है, इसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर पॉलीप्लॉइडी में क्या क्या कंडीशन हो जाती है, इसमें जो गुणसूत्र हैं उसके अंदर द्विगुण से ये बनती है, डुप्लीकेशन उसके अंदर हो जाता है इसके कारण। इसके अलावा जो इसके अंदर जो गैमेट्स हैं उसमें उसके जो गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय उसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो अर्धगुच्छन होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं होता, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इस कारण पॉलीप्लॉइडी कंडीशन हमें देखने को मिलता। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर देखें वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी के अंदर जो है टू एन से अधिक होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं के सेट होते हैं जिसे ऑटो पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे ये ऑटो ट्रिप्लॉइड ए। इसी तरह ऑटो टेट्रा प्लॉइड के अंदर ए 4 बार रिपीट होता है, तब इस प्रकार की कंडीशन हमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह एलो पॉलीप्लॉइडी के अंदर जो है वो हाइब्रिड्स का निर्माण होता है, हाइब्रिड जैसे F1 हाइब्रिड्स होता है, जैसे दो अलग अलग वेराइटीज़ के प्लांट्स का जब हम F1 पीढ़ी के अंदर जब संकरण कराते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, हाइब्रिडेशन कराते हैं, तो उसके अंदर जो वेराइटी उत्पन्न होती है उसको हाइब्रिड कहते हैं। F1 हाइब्रिड संतति के अंदर जो क्रोमोसोम्स की जो नंबर्स होती हैं वो द्विगुणित द्विगुणी हो जाने पर ऑलोप्लॉयडी का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख के समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहला इसका था टेट्राप्लॉइड वीट जो होता है, उस टेट्राप्लॉइड वीट की जो है उसके अंदर 2n
क्रोमोसोम्स नंबर में 28 14, ये एक बाइवेलेंट कंडीशन है जिसके अंदर जो टेट्राप्लॉइड वीट है उसमें अंदर डबल ए डबल बी टाइप का वीट पाया जाता है, जिसका डी डी 2n बराबर 14 गुणसूत्र जिसके अंदर पाए जाते हैं वो भी बाइवेलेंट है, जिसको जिसका हाइब्रिडेशन कराने पर F1 जो संतति हमें प्राप्त होती है उसके अंदर ए बी और डी यानी कि 2n जो है वो 21 21 ट्रिप्लॉइड हाइब्रिड्स के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब इसका पुनः इसका इसकी ग्रोथ कराने पर ये हेक्साप्लॉइडी वीट के रूप में डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो देखिए ये टेट्राप्लॉइडी है और ये बाइवेलेंट है, और टेट्राप्लॉइड और बाइवेलेंट मिलकर 4n और 2n मिलकर कैसा बन जाएगा, ये हेक्साप्लॉइडी वीट का निर्माण करता है। इसलिए कैपिटल ए बी बी और डी डी यानी कि 2n बराबर 42 बाइवेलेंट, ये इस तरह इसका उदाहरण होते हमें समझ में आता है। इसके जो ऑटोप्लॉइडी की जो अगर हम देखें तो क्या क्या होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है इफ़ेक्ट, इसके अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो इंक्रीज तो हो जाती है प्लांट के अंदर, लेकिन जो सीड का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह जो इसकी देखेंगे यहाँ पे फ्लावरिंग पीरियड जो है वो इसमें डीले होता है, बहुत देरी से फ्लावर्स आते हैं। और चौथी कंडीशन आते हैं इस तरह की जो है ऑलोप्लाइडी के अंदर या ऑटोप्लाइडी में, जो फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं उसकी साइज होती है वो लार्ज होती है। और इसके अलावा इसके अंदर पांचवा कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो लीफ डार्क ग्रीन कलर की इसके अंदर लीफ होती है ऑटोप्लाइडी के अंदर। इसमें 4n से अधिक होने पर प्लांट, जब 4n से अधिक हो जाता है क्रोमोसोम्स में अधिक हो जाता है तो ये या तो बोना रह जाएगा या फिर इसका जो तना होता है वो कमज़ोर रह जाता है। इसी तरह 3n 5n 7n होने पर ये स्टीराइल यानी कि बंध्य हो जाते हैं, और इसके अंदर वेजिटेटिव व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसके अंदर हो पाता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसके अंदर प्रेजेंट होता नहीं है। तो यहाँ पर कायिक जनन या अलैंगिक जनन के द्वारा ही इसके अंदर नेक्स्ट ब्रीडिंग को हम इसके अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो ओलो पॉलीप्लॉइडी होती है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पावर्स होती हैं, फ्रूट्स की साइज़ लार्ज हो जाती है, जीवन क्षमता कम हो जाती है, और फ्रूट की साइज़ लार्ज हो जाती है, और इसके अंदर जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसका भी अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये रेफिनोब्रेसिका, रेफिनोब्रेसिका में देखिए सबसे पहले जीडी जो कॉपी चेंको 1927 में इस तरह का इसने हाइब्रिडेशन करके एक वैरायटी प्राप्त की थी, जिसके अंदर मूली जो होती है वो 2n जिसके अंदर 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं, रेफिना सटाइवा होती है जिसका हाइब्रिडेशन जो होता है ब्रेसिका ऑलरेसी यानी गोभी से जो 2n 18 उसके अंदर भी 18 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका हैप्लॉइड देखें तो n यानी कि 9 गुणसूत्र, फर्टिलाइजेशन कराकर हमें जो 2n स्पीसीज प्राप्त होती है वो स्टीराइल होती है, फर्टाइल नहीं होती है, F1 हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होती है। और इस तरह ये 2n का फर्टिलाइज कराकर एम्फीप्लॉइडी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार ये स्पीसीज हमें जो है वो रेफिनो जो स्पीसीज प्राप्त होती है उसे रेफिनोब्रेसिका कहा जाता है। रेफिनोब्रेसिका को समझ में आ गया होगा, मूली हो गई रेफिनस और गोभी हो गई ब्रेसिका, तो मिलकर दोनों के आगे के नाम जुड़कर रेफिनोब्रेसिका एक नई वैरायटी हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि कैसी होती है 4n होती है। 4n मतलब उसके अंदर 36 क्रोमोसोम्स नंबर पेयर प्रेजेंट्स होते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं, दूसरा जो एग्जांपल होता है इसके अंदर जैसे ट्रिटिकेल्स है गेहूँ, उसकी वैरायटी हमें यहाँ पर 2n स्पीसीज का यूज़ कर रहे हैं, तो जो राई है वो सिकल सेल सीरियल्स को हम राई कहते हैं वो द्विगुणित होती है, और जो ट्रिटिका में गेहूँ है उसकी भी हमने द्विगुणित जाति का उपयोग किया गया 4n का, और इससे हमने 4n का उपयोग कर फर्स्ट हाइब्रिडेशन F1 कंडीशन में देखा, जो हमें बंदे होती है वो भी F1 कंडीशंस के अंदर।
और द्विगुणी जातियों में ये प्राप्त होती है जिसके अंदर जो 21 गुणसूत्र होते हैं। अब इसका यहाँ पर एफ वन स्पीसीज को यहाँ पर क्रोमोसोम्स को डबलिंग की दी जाती है और इसके अंदर कोल्चिसिन का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर हमें यहाँ पर ट्रिटिकम एसेटाइवम स्पीसीज हमें प्राप्त हो। जैसे ट्रिटिकम एसेटाइवम इसका बी पार्ट है, एफ वन पार्ट हो गया, अब एफ वन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, इसको हमने द्विगुणित करवा दिया। एफ वन से जो हमें स्पीसीज प्राप्त हुई थी उसको हमने कोल्चिसिन के द्वारा क्या किया, यहाँ पर द्विगुणित करा दिया, डिप्लोइड करा दिया। और द्विगुणित कराकर अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसका यूज़ करते हैं, ट्रिटिकम एसेटाइवम, और फिर जो कि एक द्विगुणित को है, और वापस सिकल सेल सीरियल से यहाँ पर फिर से एफ वन पीढ़ी को ग्रो करवाया जाता है, ये स्टेराइल होती है। उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 28 होती है। यहाँ पर फिर से क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन कराया जाता है कोल्चिसिन की सहायता से, और जो स्पीसीज हम होती है वो 2n = 56 उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये किससे प्राप्त वैरायटी है, वो ऑक्टाप्लॉयडी ट्रिटिकेल्स होती है। इस प्रकार यहाँ पर जो स्पीसीज हमें प्राप्त हुई वो ऑक्टाकेल्स, यानी कि हम पॉलीप्लॉयडी कंडीशंस किस तरह प्लांट्स के अंदर डेवलप कर सकते हैं उसके दोनों एग्जांपल हमें यहाँ पर बताए गए हैं। इसकी इम्पोर्टेंस देखें, उसके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखें, तो ये क्या महाकायता या गिगेंटिज़म्स प्रदान करती है पॉलीप्लॉयडी, और जिसके कारण जो है तने के जो है वो स्टेम, प्लांट के स्टेम है जो छोटे रह जाते हैं और मोटे से हो जाते हैं। लीफ है इनकी जो छोटी हो जाती है और थिक मांसल मोटी हो जाती है और डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है, और फ्लावर इसके अंदर बड़े बड़े लार्ज साइज के होते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बहुत अधिक मात्रा में डेवलप हो जाते हैं और फ्रूट और सीड का जो साइज है वो निक्रीज हो जाता है। इसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे 4N स्पीसीज है तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड्स और विटामिन ए इसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इससे प्राप्त किया जा सकता है। ये फूड का स्टोरेज इसमें बहुत अधिक होता है, इसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, सल्फर और पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर कम पाई जाती है, और इसके अंदर जैसे टोबैको है, तंबाकू है, इसमें निकोटीन का जो लेवल होता है वो बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है। इसी तरह इसका फिजियोलॉजिकल इसके इफ़ेक्ट देखो, तो इसके लिए फिजियोलॉजिकल इन वैरायटी के कारण जो चेंजेस होते हैं, जैसे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने के कारण इसका रेजिस्टेंस जो होती है, इसकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, और इसके अंदर सेल डिवीज़न कम होने से इसकी जो ग्रोथ होती है वो ऑक्सिन्स की सहायता से वो भी उसमें भी कमी आती है, और इसका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो उसके वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, और फ्रूट और जो फ्लावर की जो मैचुरेशन की जो रेट है उसके अंदर भी कमी आती है। इस तरह के इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसके अंदर दिखाई देते हैं। रोल देखें तो जो पॉलीप्लॉयडी का जो रोल है वो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर क्या उपयोग होता है उसका, तो इसको 1930 के अंदर कोल्चिसन ऑटमेल ने इसको प्लांट के अंदर जो सीड और कॉर्म से कोल्चिसन एल्कलाइड्स को प्राप्त किया था, और ये समसूत्री विभाजन की जो एनाफेज अवस्था रहती है उसके अंदर क्रोमोसोम के जो टू सेट्स का फ्यूज़न होता है वो यहाँ पर होता है, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो होता है उसको ये रोक सकता है। इस कारण जो क्रोमोसोम के जो सेट होते हैं वो सेपरेट ही रहते हैं और उनका फ्यूजन्स नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये पॉलीप्लॉयडी कंडीशंस का निर्माण हो जाता है।